सबसे पहले तो कान खोलकर सुन लीजिए मोदी जी कि आप संघ और भाजपा हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं है, और ये जो स्वघोषित ठेकेदारी का स्वांग, ये धर्म और राजनीति के घालमेल का स्वांग आप बरसों से रचते आए हैं ना, इसका भांडा पूरी तरह से फूट चुका है। और कल जिस तरह से राहुल गांधी जी ने संसद में खड़े होकर आपके धर्मद्रोही होने का भी पर्दाफाश किया, मैं समझ सकती कि भाजपा के खेमे में किस तरह से अफरा तफरी मची होगी। और इसी बौखलाहट में आप वही करने पर उतारू हो गए जो आपका सबसे ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है कि झूठ बोलो, जोरदार बोलो, बार बार बोलो। लेकिन मैं बता दूं आपको कि इस बार आपकी काट की हांडी चढ़ने वाली नहीं है। आरएसएस को तो कहा ही जाता है र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी, पर अब आप अपना अफवाह तंत्र, अपना झूठ, अपना प्रपंच, अपना पाखंड कितना भी चला लें, जनता उस झांसे में अब दोबारा आने वाली है नहीं। और मैं आपको ये भी याद दिला देती कि रामचरितमानस की चौपाई, जिसे आत्मसात करना तो दूर की बात है, आप समझ भी नहीं पाए, उसका मूल भाव अब देश की जनता जनार्दन पूरी तरह से समझ चुकी है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। यही धर्म है, यही धर्म का सार है, पर आप मन वचन और कर्म से इस चौपाई का विलोम है। भाजपा और संघ की कार्यशैली रामचरितमानस की इस चौपाई की उलट बांसी है। आप तो ये भी भूल गए कि इस देश के सबसे बड़े सनातनी महात्मा गांधी ने क्या कहा था जब चंपारण में सत्याग्रह हुआ, भारतीयों को आंदोलित किया उन्होंने गोरे निल्हों के जुल्म के खिलाफ, तो क्या कहा था उन्होंने कि अन्याय से डरो मत, अत्याचार से डरो मत, शोषण से डरो मत, हुकूमत की ताकत से डरो मत। और यही अभय मुद्रा दिखाते हुए राहुल गांधी जी ने भी इसी निडरता और इसी अभय और इसी साहस का पाठ पढ़ाया, वो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं तो गर्व के साथ कहती हूं कि मैं सनातनी हिंदू हूं, क्योंकि मैं सत्य और अहिंसा के मार्ग पर अंगद की तरह पैर जमाकर खड़ी हूं। मैं हिंदू हूं क्योंकि मैं सांप्रदायिकता और धार्मिक उन्माद में नहीं, भाईचारे में, बंधुत्व में, सर्वधर्म संभाव में, गंगा जमनी तहजीब में विश्वास रखती हूं। मैं हिंदू हूं क्योंकि मैं उदारता और मानववादी सोच में विश्वास रखती हूं। मैं हिंदू हूं क्योंकि मैं समावेशी हूं। लेकिन आप तो ये सब समझ ही नहीं सकते मोदी जी, क्योंकि आपके सारे अंधभक्त, सारे भाजपाई और संघी, आप हिंदू कैसे हो सकते हैं? आप तो मुंह में राम और बगल में छुरी वाले लोग हैं। आप तो झूठ और प्रपंच और नफरत और हिंसा का बाजार सजाने वाले लोग हैं। ना आप कभी मन से वचन से कर्म से हिंदू थे, ना आप मन से वचन से कर्म से कभी हिंदू हो सकते हैं। इसकी ग्लानी अगर आपके मन में आ जाए तो समझिएगा वही आपके लिए पश्चाताप है, क्योंकि जितनी भी धूल आपने जनता की आंखों में झोंकने की कोशिश की है, वो अब आप ही का दामन दागदार कर रही है। जाग जाइए, संभल जाइए।